दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपको एक IQ Z3 5G फोन के अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अच्छा, पूरी स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से डिटेल्स के साथ मैं आपको इस फोन में के बारे में बताऊंगा। आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। और इस फोन को मैंने 10 डेज तक यूज किया और उसके बाद के सामने रिव्यू रखूंगा मैं अपनी। सो दोस्तों, ये है IQ का एक बड़ा सा बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर आपको IQ का फोन मिलेगा। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा IQ का फोन और ये पूरी तरह पैक है। तो इसे हम अभी प्लेट की मदद से इसकी फोन को बाहर निकालेंगे, इसकी बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया हूँ और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक केस मिलेगा जो कि फ़ोन कवर नॉर्मल जो सभी फोन में आता है, और ये टाइप सी का केबल जिससे फ़ोन चार्ज होता है, टाइप सी का केबल है। और नीचे में हमारे पास IQ Z3 5G का फ़ोन और ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल और ये IMEI नंबर और ये 55 वाट का फ्लैश चार्जर जो कि आपके फ़ोन को कंपनी का दावा है आपके फ़ोन 19 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा, वो तो यूज करने के बाद पता चलेगा। तो ये है इसका अडाप्टर जो कि 55 वाट में वैसे, और ये है हमारा IQ का फ़ोन। तो बेसिकली ये दो तरीके से आते हैं, एक है 8GB रैम और दूसरा है 6GB रैम, और ये मेरे पास जो है वो 6GB रैम का। इसकी प्रोसेसर की बात में कर लूँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G 5G प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आता है जो कि 7 नैनोमीटर में बेस है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। और इसकी बैटरी 4400mAh की बैटरी मिल जाती है आपको और 55 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ जो कि 19 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। और 64 मेगापिक्सल इसकी मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा आपको मिल जाती है 16 मेगापिक्सल की जो कि 4K वीडियो सपोर्ट करता है और GW3 सेंसर के साथ। और इसके टच रेशियो हुए मैं आपको बताता हूँ, टच सैम्पलिंग रेट 180Hz और 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है। सो दोस्तों, इस फोन के सेल्फी कैमरा की मैं बात कर लूँ, ये आता है 16 मेगापिक्सल कैमरा के साथ और ये आप पिक्चर देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में आती है आपकी सेल्फी। अब रही बात इसकी बैक की, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है इसकी मेन कैमरा की पिक्चर। और ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है 64 मेगापिक्सल की पिक्चर और वीडियो क्वालिटी मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये आप देख सकते हैं इस फ़ोन की फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी, आप देख सकते हैं कितनी बेहतर है मेगापिक्सल कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलती है और क्वालिटी आप तो देख ही सकते हैं अभी स्क्रीन पर। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये है इसके रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी, मैंने इसे सुबह सुबह ही रिकॉर्ड किया था, आप देख सकते हैं कितनी क्लियरिटी के साथ ये आता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था, ये इस फ़ोन को मैंने 10 डेज यूज़ कर चुका हूँ, आज पूरा हो चुका है 10 डेज। और ये इसकी चार्जिंग की बात मैं कर लूँ, चार्जिंग बहुत ही तेज़ होता है, मतलब लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं 50 मिनट में पूरी तरह से फुल्ली चार्ज होगा, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ 40 से लेकर 45 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो जाएगा इसकी बैटरी। और इसकी कैमरा क्वालिटी तो आप तो देख ही चुके होंगे स्क्रीन पर। और मैं कूलिंग सिस्टम की अगर बात कर लूँ, तो आपको 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम के रिड्यूस द कोर टेम्परेचर पर 10 डिग्रीज पर आपको मिलती है। और दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने इस फ़ोन से ली है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी क्लियरिटी के साथ आपको इस तस्वीरें मिलती है इस फ़ोन में। और वीडियो क्वालिटी तो बात ही मत करो, आप स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे पहले से ही। सो दोस्तों, लिटरली अगर मैं बोलूँ इस फ़ोन के बारे में, मुझे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, 6GB और 8GB, और मेरे पास जो है 6GB, वीडियो भी मैंने उसी फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, आपकी क्वालिटी देख सकते हैं वीडियो की। रही बात आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं या आपकी मर्ज़ी, पर पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा कम्पेयर टू अदर फ़ोन। इस फ़ोन में मुझे बहुत ही अच्छी फीचर्स मिली और इसकी जो फास्ट चार्जिंग है वो तो कमाल का है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता, आप यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।